स्पोर्टिंग क्लब के सभागार में आज हमारी टीम मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब जो कि चयन हुई है जो जेएसए लीग खेलेगी, आज प्लेयर्स को हम लोगों ने बुलाया था किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और साथ ही साथ उनका इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत ही मेहनत करके एक टीम बनाई गई है प्रयाग मुर्मू जो हमारे कोच है उनके लीडरशिप में, और जेएसए में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब का होने जा रहा है। इससे पहले भी मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब प्रीमियर डिवीज़न और सुपर डिवीज़न जीत चुकी है। अभी पिछले 2 सालों में लॉकडाउन की वजह से क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह नहीं हुआ और मैच भी नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर से एक नए जोश और उत्साह के साथ एक टीम बनाई गई है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब की पूरी टीम का, और 22 तारीख को पहला मैच होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब इस बार भी विजेता के रूप में उभर जाए। ज़्यादातर जो प्लेयर्स हमारे हैं वो पटमदा, कोटका, उदादा, सुंदरनगर, विभिन्न देहात क्षेत्रों के हैं, और ये एक अच्छा साइन है फुटबॉल लवर्स के लिए, और यूँ कहा जाए कि नई पीढ़ी जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और नशाखोरी में इन्वॉल्व है, वहीं पर हम ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी देख रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, उनको निखारने की ज़रूरत है। हमारे कोच प्रयाग मुर्मू साहब ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस और मैच आपको देखने को मिलेगा। मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब की ये कोशिश है कि जो नौजवान पीढ़ी जिनके अंदर स्पोर्ट्स की रुचि बहुत कम हो गई है और नशाखोरी और सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, तो दोबारा से वो स्पिरिट जगाने की कोशिश मोहम्मद स्पोर्टिंग कर रही है कि फिर से हम अपने नौजवानों के अंदर स्पोर्ट्स को लेके, खेलकूद को लेके उत्साह पैदा करें और उनको स्पोर्ट्स से जोड़े, ताकि ये जो नौजवान नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं और समाज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, आए दिन घटनाएँ सुनते होंगे कि नशाखोरी की वजह से बहुत जगह चिंताएं, मर्डर, इस तरह के केसेस हो रहे हैं, प्रशासन और समाज के लोग भी काफ़ी परेशान है। मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब इसमें आगे आकर ऐसे नौजवानों को हम लोग काउंसलिंग करके यूथ को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ रहे, ताकि एक अच्छा समाज बनाया जा सके। मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब 1932 से जमशेदपुर में खेल रही है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा उनके प्लेयर्स का नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि टीम में लगन से आदमी काम कर रहा है और हमारी टीम इंशाअल्लाह रहमान अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। क्लब जमशेदपुर की एक जानी मानी फुटबॉल टीम है, जैसे कि आप जानते हैं 1932 से इस शहर में ये क्लब काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा है और पहुंच ही रहा है। इसमें इंडिया के नामवर खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, मोहम्मद रमजान साहब, गालिब साहब, जब्बार साहब, गणेश साहब, और इसके अलावा भी कई जाने माने खिलाड़ी इससे निकले हैं जिनकी नौकरी किसको में हुई, और ये एक ऐसी फुटबॉल टीम है और इससे लोग एक नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों को एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और बेहतरीन कोच के तरबियत होने के नाते ये टीम हमेशा एक अच्छा परफॉर्म पेश करती है। और जैसे कि आपको मालूम है कलकत्ता की भी टीम है मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब, और यहाँ के प्लेयर वहाँ भी खेल चुके हैं, मोहम्मद जोहा वगैरह जैसे गोलकीपर हैं ये वहाँ भी खेल चुके हैं, और ये हमारी मंशा ये रहती है कि हम नए 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 बच्चों को एक अच्छा आगे का करियर बनाएं स्पोर्ट्स के अंदर में, और यही हमारी मंशा है और हम करते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ इस ये था गेट टुगेदर, आज एक नई टीम जो तरतीब दी गई है, 22 को हमारा पहला गेम है और हम खेलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम इस शहर में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इस साल भी पेश करेंगे, और यही उम्मीद के साथ हम आज गेट टुगेदर के अंदर में के प्लेयरों को हमने कहा और उनको किट्स भी दिया गया और उनके ज़रूरियात के तहत जो भी सामान होता है वो हमने सप्लाई किया है।